तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो 1990 के दशक से आतंकवाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी घटना के बाद गैर राज्य अभिकर्ता नॉन स्टेट एक्टर के रूप में आतंकवाद पर नई बहस शुरू हुई है। हालांकि द्वितीय विश्व के देश काफ़ी पहले से आतंकवाद की समस्या से पीड़ित थे, पर पाश्चात्य देश शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस समस्या से रूबरू हुए। 21वीं सदी की शुरुआत से ही आतंकवाद के सक्रिय में अधिक छायों युद्धों यानी प्रॉक्सी वार्स का अंतहीन सिलसिला चल पड़ा। वर्तमान में आतंकवाद का भी वैश्वीकरण हो गया है, इसकी पहुंच व विनाश का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है। आतंकवाद जिसे एक आधुनिक घटना माना जाता है कि व्यापक उपस्थिति 1960 से 1970 के दशक में महसूस की गई, जब अराजकतावादी हिंसा की बड़ी लहर आई। इस लहर के कारण पश्चिमी जर्मनी में बाडर मीन हाफ ग्रुप टी व जर्मनी में, इटली व जापान में रेड आर्मी ग्रुप, ब्रिटेन में एंटी ब्रिगेड ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। तो अब देखते हैं आतंकवाद का अर्थ एवं परिभाषा। तो आतंकवाद गैर राज्य अभिनेता नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। इसके तहत हिंसात्मक कृत्य संबंध किए जाते हैं। गुडिन के अनुसार आतंकवाद राजनीतिक हिंसा का एक रूप है, जिसका उद्देश्य भय एवं आशंका का माहौल बनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना। आमतौर पर निर्देश नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। यह जनमत को प्रभावित करने की एक मनोवैज्ञानिक युक्ति है। यह कमजोर का हथियार है, विपन्न और भीक होता है। अतः इसका प्रयोग उन समूहों द्वारा किया जाता है जो अपने विरोधियों के खिलाफ पारंपरिक शस्त्र युद्ध नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को 1972 सॉरी युद्ध के बाद उसको ये लग गया कि अब वो भारत से एक प्रकार से डायरेक्ट वार में, कन्वेंशनल वार में जीत नहीं सकता। तो उसने प्रॉक्सी वार स्टार्ट कर दिया। भारत में आतंकियों को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और भारत को अंदर से ब्लीड करना स्टार्ट कर दिया। बिटकाफ तो आतंकवाद असक्त लोगों द्वारा शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध एक रणनीति है। आतंकवाद विषम युद्ध असिमेट्रिकल वारफेयर है, यह प्रॉक्सी वार का उदाहरण है। पॉल विल्किंसन ने आतंकवाद की व्याख्या उस नीति या प्रक्रिया के रूप में की है जिसमें मूल तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से? आतंकवाद को व्यवस्थित शस्त्र के रूप में प्रयोग करना, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों ने शुरू शुरू में किया था। फिर सामान्य से अधिक हिंसा की धमकी या हिंसा कृत्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर इस हिंसा का प्रभाव। इस प्रकार आतंकवाद एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक राजनीतिक आंदोलन के विचाराधीन या राज सत्ता की वैधता या अवैधता का निर्धारण करने का एक साधन है। राजनीतिक हिंसा का एक रूप है जिसका उद्देश्य भय, आशंका, अनिश्चितता की स्थिति पैदा करके अपने उद्देश्य को पूरा करना। आतंकवादी कार्यवाही के सबसे प्रमुख रूपों में हत्याएं, बम विस्फोट, बंधक बनाना, विमान अपहरण शामिल है। विशेष रूप से आतंकवाद को सरकार विरोधी गतिविधियों के रूप में चित्रित किया जाता है। कुछ लोग अपने स्वयं के या अन्य आबादी के खिलाफ सरकारों द्वारा उपयोग में लेने वाले आतंक को राज्य आतंकवाद के रूप में चित्रित करते हैं। 1945 तक आतंकवाद राष्ट्रव्यापी रहा। 1940 और 1950 के दशक में अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में तीसरी दुनिया के उपनिवेश विरोधी संघर्षों से जुड़ा, जिसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जैसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक स्तंभर जैसे समूहों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया। पश्चिमी समाजों में आतंकवाद का प्रयोग राष्ट्रीय और जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा किया गया, जैसे उत्तरी आयरलैंड के आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, स्पेन के बास्क क्षेत्र में ETA खादिता अस्का सुना, ये काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन था। फिर क्यूबेक में FLO फ्रंट लिबरेशन डी क्यूबे को। 1960 तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हवाई जहाज अपहरण अर्थ तक सीमित था, यानी कि ये लोग केवल हवाई जहाज अपहरण करके अपनी मांगों को पूरा करते थे। डायरेक्ट हमला या डायरेक्ट एक प्रकार से ह्यूमन बॉम्ब भेजकर हमला, ये 1960 के दशक के बाद की घटनाएं हैं, ठीक है ना। आतंकवाद के प्रकार तो आंद्रे कुर्थ क्रोनिन आधुनिक आतंकवादी समूहों को उनके प्रेरणा स्रोत के आधार पर चार भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन से? लेफ्ट विंग टेररिस्ट, वामपंथी आतंकवाद, इस साम्यवादी आंदोलन से जुड़े होते हैं। भारत में नक्सलवाद जैसे एक इसका उदाहरण है, भारत में जैसे नक्सलवाद है। रूस व चीन का साम्यवादी आंदोलन, ये भी लेफ्ट विंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार से उदाहरण है। फिर दक्षिणपंथी आतंकवादी, राइट विंग टेररिस्ट, इसमें फांसीवाद या नाजीवाद आ सकता है। फिर निजातीय राष्ट्रवादी, तो एथनो नेशनलिस्ट या पृथकतावादी, सेपरेट आतंकवादी, तो ये उपनिवेशीकरण आंदोलन नागा व कश्मीरी, ये इसी के उदाहरण हो सकते हैं। सेपरेटिस्ट आंदोलन है एक प्रकार से। फिर धार्मिक या रिलीजियस या पवित्र आतंकवादी, सेक्रेड टेररिस्ट,
ये एक प्रकार का सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन ठीक है। भारत ने भी इस चीज़ का विरोध किया है कि कोई गुड या बैड आतंकी में, गुड या बैड आतंकियों में अंतर करना ही उसे छोड़ दे। अलकायदा, तालिबान, आईएसएस, इसे पवित्र या सेक्रेट आतंकवाद भी कहा जाता है, इस्लाम के नाम पर ही किया जाता है बेसिकली। फिर माइकल ग्रांट इग्ना टीफीएफ, माइकल ग्रांट इग्ना टीफीएफ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तलिसा रिवील कोलन पॉलिटिकल इथिक्स इन द एज ऑफ टेरर 2004 में आती है पुस्तक। ये 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए के हमले के बाद उत्पन्न नवीन प्रकार के आतंकवाद न्यू टेररिज्म के चार प्रकार बताए। पहला विद्रोही आतंकवाद, तो इंसर्जेक्शनरी टेररिज्म, इसका उद्देश्य राज सत्ता को क्रांतिकारी तरीके से उखाड़ फेंकना है। अराजकतावादी व क्रांतिकारी साम्यवादी इसी प्रकार के आतंकवादी हैं, जैसे नक्सलवाद वगैरह। ये क्या चाहते हैं, ये भारत राज्य को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इनका उद्देश्य भारत राज्य को ही उखाड़ फेंकना है। एकल या मुद्दा आधारित आतंकवाद, लोनर और इशू टेररिज्म, तो इसका एकल उद्देश्य होता है उदाहरण के लिए जैसे कि गर्भपात क्लिनिक पर बमबारी, धार्मिक बम ओम सिन रिक्यो द्वारा 1995 में टोक्यो मेट्रो पर नर्व गैस द्वारा हमला किया गया। इस प्रकार के आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य प्रचार पाना होता है। नेशनलिस्ट टेररिज्म, राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रवादी आतंकवाद, तो बेसिकली इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन या कब्जे को उखाड़ फेंकना होता है। यह सजातीय, धार्मिक व राष्ट्रीय समूह के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। फिलिस्तीन व इसराइल के, इसराइल में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, श्रीलंका में लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, ये सब नेशनलिस्ट टेररिज्म का उदाहरण है। ग्लोबल टेररिज्म, इसका उद्देश्य वैश्विक शक्ति ग्लोबल पावर को क्षति पहुंचाना या उसको अपमानित करना होता है। यह वैश्विक संस्था या वैश्विक सभ्यतागत संबंधों, ग्लोबल सिविलाइजेशन रिलेशन को बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इस्लामी आतंकवाद या अलकायदा आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं, ग्लोबल टेररिस्ट के उदाहरण हैं। समकालीन समय में प्रचलित आतंकवाद को चार प्रकार से और विभाजित किया जा सकता है, नवीन आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, प्रलयकारी आतंकवाद और राज्य आतंकवाद। जैसे भारत हमेशा एक प्रकार से आरोप लगाता है पाकिस्तान पर, जो कि सच भी है, कि जो पाकिस्तानी जो स्टेट है वो स्वयं आतंकवादी है और वो आतंकवादों को पनाह देता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में, इस पे स्टेट स्पॉन्सर्ड है। नवीन आतंकवाद, तो आतंकवाद का यह रूप अपने संगठन, राजनीतिक चरित्र, प्रेरणाओं और रणनीतियों की प्रकृति के कारण पारंपरिक आतंकवाद की तुलना में अधिक कट्टरपंथी और विनाशकारी होता है। परंपरागत आतंकवाद का चरित्र जहां धर्मनिरपेक्ष था, वहीं नवीन आतंकवाद धार्मिक प्रेरणाओं से प्रेरित होता है। फील्ड एक थिंकर है, तो नवीन आतंकवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आतंकवाद के लिए धार्मिक प्रेरणाओं ने धर्मनिरपेक्ष प्रेरणाओं को बदल दिया। नवीन आतंकवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आतंकवाद के लिए धार्मिक प्रेरणाओं ने धर्मनिरपेक्ष प्रेरणाओं को बदल दिया। परंपरागत जो आतंकवाद है राष्ट्रीय आंदोलन या साम्यवादी आंदोलन के रूप में था, इसका चरित्र राजनीतिक था, वहीं नवीन आतंकवाद का चरित्र धार्मिक है। धर्म के आधार पर यहाँ एक प्रकार से आतंकवाद फैलाया जा रहा। पारंपरिक आतंकवादी राजनीतिक परिवर्तन या अपनी मांगों की आंशिक पुष्टि से संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन नवीन आतंकवाद के साथ समझौता मुश्किल है। यह शून्यवाद, निहिलिज्म बिना निश्चित सिद्धांत वाला या तीव्र परिवर्तन अस्थायी सिद्धांत से ग्रसित है। नवीन आतंकवाद का दायरा ज़्यादा व्यापक होता है और यह नेतृत्वविहीनता में भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए अलकायदा को एक संगठन की बजाय विचार के रूप में अधिक चित्रित किया जाता है। इसका नेटवर्क कोशिका की तरह फैला हुआ है तथा काफ़ी शिथिल होता है। सिज मैन ने इसे लीडरलेस जिहाद, नेताविहीन जिहाद कहा। विल्किंसन ने नए व पुराने आतंकवाद में अंतर किया है। उनके अनुसार पारंपरिक आतंकवाद सैन्य शैली के कमांड एवं नियंत्रण को नियोजित करने की ओर प्रवृत्त होता था, जबकि नया आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के भीतर कोशिकाओं की तरह जुड़े व अधिक विस्तृत रूप में फैला है। नए पुराने आतंकवाद के अंतर को कोपलैंड ने नकारा है। उनके अनुसार नए व पारंपरिक आतंकवाद के मध्य का विभाजन काफी कृत्रिम एवं असंयोगपूर्ण है। वैश्विक आंदोलन, ग्लोबल टेररिज्म, तो आधुनिक समय में आतंकवाद का आयाम वैश्विक हो गया है। इसके भूमंडलीकरण में LPG की मुख्य भूमिका है। आधुनिक आतंकवाद को वैश्वीकरण का बच्चा कहा जाता है। इसके पीछे ये कारण क्या, वैश्वीकरण के कारण मानवों, माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं विचारों का क्रॉस बॉर्डर प्रवाह हो रहा है। गैर राज अभिकर्ता के रूप में आतंकवादी समूहों ने इस अतिगतिशीलता का फायदा उठाया है। फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्लोज ने, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ने
एक प्रकार से आतंकवादी जो अभियानों हैं अभियानों के लिए कार्यकर्ता समर्थन और वित्त उपलब्ध करवाया है, जैसा कि तमिल टाइगर्स के साथ हुआ। विश्व भर में फैले तमिल समुदाय ने इसकी मदद की। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण व पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभुत्व को पैदा किया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप धार्मिक पुनरुत्थान की अभिव्यक्ति के रूप में इस्लामी जिहादी आतंकवाद पैदा हुआ। तो हिंसक इस्लामी चरमपंथियों की तीन पीढ़ियां हम देख सकते हैं, थ्री जनरेशन ऑफ वायलेंट इस्लामिक टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट। तो पहला है अलकायदा के बैनर तले एकजुट हुए पहली पीढ़ी के लोग, सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई की इन्होंने। 1994 में ओसामा बिन लादेन ने गठबंधन किया। ओसामा बिन लादेन व इसके मध्य विचारों में मतभेद था कि किससे लड़ना है, जहां लादेन का मानना था कि दूर दुश्मन संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम से लड़ना था, जो इस्लाम के खिलाफ कई कथित अन्यायों के लिए जिम्मेदार था। अन्य ने धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक राज्यों पर शासन करने वाले निकट शत्रुओं को उखाड़ फेंकने की वकालत की थी। तो एक प्रकार से पहली पीढ़ी का आंदोलन था, या पहली पीढ़ी का ये एक प्रकार से वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिज्म था, जहाँ पर एक प्रकार से डाउट था कि किसके खिलाफ लड़ना है, जहाँ पर अलकायदा के जो चीफ था, अलकायदा का जो चीफ था, वो एक प्रकार से क्या बोल रहा था कि ओसामा बिन लादेन की हमें पश्चिम के खिलाफ लड़ना है, यानी यूएसए के खिलाफ लड़ना है, जबकि जो अन्य जो लोग थे वो क्या मान रहे थे कि हमें अपने ही धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक राज्यों के शासन के वाले निकट शत्रु हैं उनके खिलाफ लड़ना है, यानी एक प्रकार से अपने ही जो अरब देश हैं उन्हीं में जो इस्लामिक देश हैं जो सेकुलर हो चुके हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना है। फिर दूसरी पीढ़ी में मुस्तफ़ा सेटमारियम नसार, इसे अबू मुसाब अल सूरी या द सीरियन के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ाई लड़ी और स्पेन अल्जीरिया व अन्य जगहों पर स्थानीय जिहाद का समर्थन किया। 1911 से पहले यह अफगानिस्तान में लादेन से जुड़ा एक प्रशिक्षण शिविर चलाता था। अलकायदा के पारंपरिक श्रेणीबद्ध संगठन के खिलाफ अमेरिका और भागीदारी राष्ट्र के प्रयासों की प्रभावशीलता पर का पूर्वाभास किया। इसने जिहाद की गुप्त गुरिल्ला विधि को अपनाया, जिसमें असंबद्ध सेल शामिल, जो अपनी पीढ़ी की बजाय अलग प्रकार के सेल हैं, स्लीपर सेल या सेल, जो एक प्रकार से काम करते हैं अपने आकाओं के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को एक प्रकार से अंजाम देते हैं। इसने अपने ज्ञान और कौशल को अगली पीढ़ी के आतंकवादी इस्लामी आतंकवादियों को वस्तुतः हस्तांतरित किया। फिर तीसरी पीढ़ी में अरदित फेजरी हिंसक इस्लामी चरमपंथ के समर्थक हैं। ये फेजरी एक कोसावर समूह का नेतृत्व करता है, जिसे कोसावा हैकर की सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। इसमें अमेरिका में स्थित कंपनी को हैक कर डाटा चोरी कर आईएसआई को साझा किया। तो तीसरी पीढ़ी में ये टेक्नोलॉजिकल वारफेयर भी खेलने लगे। रे का मानना है कि वैश्विक जिहाद का उदय इस्लामाबाद के पतन का प्रतीक था, न कि इसके पुनरुत्थान का। तो जो वैश्विक जिहाद का उदय ये इस्लाम के पतन का प्रतीक था, ना कि इसके इस्लामाबाद के पतन का प्रतीक था, ना कि इसके पुनरुत्थान का। ओसामा बिन लादेन और अनवर अली अवलाकी की मौत व इस्लामिक स्टेट के पतन के साथ संयुक्त रूप से अरब बसंत या ट्विटर रिवोल्यूशन, ट्विटर क्रांति के कारण कुछ लोग सुझाव देते हैं कि हिंसक इस्लामी आतंकवाद अपने अंतिम चरण में है, हालांकि ऐसा है नहीं। तो नेक्स्ट है प्रलयकारी आतंकवाद, कैटास्ट्रॉफिक टेररिज्म, अति आतंकवाद, इसे हाइपर टेररिज्म भी कहा जाता है। तो आधुनिक आतंकवाद को कार्टर ने विनाशकारी या प्रलयकारी आतंकवाद कहा है, जबकि स्पिंजक ने इसे अति आतंकवाद हाइपर टेररिज्म कहा है। तो 1911 के हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए। संहार के हथियार वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तथा परमाणु हथियार, परमाणु तकनीक तक आतंकवादी संगठनों की पहुंच प्रलयकारी क्षमता को और बढ़ा देगी। आतंकवादी समूहों ने एंथ्रेक्स जैसे जैविक हथियारों का प्रयोग तो शुरू भी कर दिया नौ ग्यारह के हमले के बाद तत्कालीन जो यूएसए के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉकर बुश ने कहा कि हर देश को अब एक निर्णय करना है, आप या तो हमारे साथ हैं या फिर आतंकवादियों के साथ। खास कि ये पाकिस्तान मान गया होता। एलिसन, तब तक दुनिया में सभी परमाणु सामग्रियों को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए एक वैश्विक गठबंधन नहीं बनाया जा सकता है, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक और परमाणु आतंकी हमला होने की अपरिहार्य संभावना लंबे समय तक बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वैश्वीकरण से जुड़ा है, इसमें यह लोगों वस्तुओं धन प्रौद्योगिकी और विचारों के बढ़ते प्रभाव का बढ़ते प्रवाह का
लाभ उठाता है। यह धारणा बनाता है कि आतंकवादी किसी भी समय कहीं भी हमला कर सकते हैं, इसे ही विनाशकारी या अति आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। तो हर व्यक्ति एक प्रकार से डर में रहता है। इसका मुकाबला करने में कठिनाइयां हैं क्योंकि आतंकवादी रणनीति पर अधिक जोर देते हैं। इसका प्रयोग आत्मघाती आतंकवाद सुसाइड टूरिज्म के रूप में करते हैं, अतः इससे बचाव करना मुश्किल है। तो आप मानव भावों का आप क्या ही कर सकते हैं, जो लोग अपने आप को बिल्कुल अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं, उनसे लड़ना तो एक प्रकार से कैसे ही कर सकते हैं। सुसाइड टेररिज्म आतंकवाद का एक रूप जिसमें अपराधी हमले को अंजाम देने की प्रक्रिया में खुद को मारने का इरादा रखता है। आतंकवादियों द्वारा आधुनिक तकनीक और विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। न केवल आतंकवादियों की पहुँच सामूहिक विनाश के हथियारों तक बढ़ी है, बल्कि इनका प्रयोग करने की इच्छा भी बढ़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आतंकवादियों की नई पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना में नैतिक और अमानवीय सिद्धांतों से कम विवश है, यानी नैतिकता और मानवीय सिद्धांतों त्याग ही दिए हैं। कुल मिला के राज्य प्रेरित आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म या सरकारी निकायों द्वारा किया जाने वाला स्टेट टेररिज्म है, स्टेट आतंकवाद है, जिसमें पुलिस, सेना या खुफिया एजेंसियां शामिल होती हैं। नॉम चॉम्स्की और फॉक जैसे विचारक मानते हैं कि निहत्थे नागरिकों और निर्दोषों की हत्या में गैर राज्य अभिनेताओं के अलावा राज्य भी काफ़ी आगे हैं। राज्य आतंकवाद तो थोक आतंकवाद होल सेल टेररिज्म है, बाकी गैर राज्य आतंकवाद खुदरा आतंकवाद रिटेल टेररिज्म जो ये नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा किया जाता है, ये तो रिटेल है, खुदरा है, जबकि जो राज्य आतंकवाद है तो होलसेल टेररिज्म है। यहाँ पर तो बहुत मात्रा में लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है। राज्य की शक्ति व क्षमता गैर राज्य अभिनेता की वजह ज़्यादा होती है, तो राज्य की शक्ति तो ज़्यादा होगी ना, और उसका प्रयोग हिंसा के रूप में या तो स्वयं के नागरिकों पर करता है ताकि खुद को सत्ता में बनाए रखा जा सके, या अन्य देशों में अपना आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। नॉम चॉम्स्की यूएसए को दुनिया का प्रमुख आतंकवादी देश मानते हैं। एक अन्य विचारक अल्थाइड के अनुसार 9/11 के हमले के बाद यूएसए ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध वार ऑन टेररिज्म का आह्वान किया। इस आह्वान का उद्देश्य भय की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ फियर था। इसके द्वारा अमरीका ने आतंकवाद का अतिरंजित भय पैदा कर अपने वैश्विक प्रभुत्व हेजमनी में वृद्धि के साथ ही मध्य पूर्व के तेल समृद्ध देशों में भी अपनी पहुँच बढ़ा ली। राज्य प्रेरित आतंकवाद को कई बार गंदे हाथों की आवश्यकता नीड्स ऑफ डर्टी हैंड्स के रूप में चित्रित किया जाता है। गंदे हाथ का सिद्धांत जो माइकल वाजर की देन है, यह मानता है कि सार्वजनिक नैतिकता निजी नैतिकता से अलग होती है। राजनीतिक नेताओं के लिए गलत करना भी सही हो सकता है अगर यह सार्वजनिक नैतिकता के में लिए व राजनीतिक समुदाय की सुरक्षा के लिए किया गया। विभिन्न आतंकी संगठन एवं संबंधित देश, तो भारत से रिलेटेड कौन कौन से आतंकी संगठन हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और उल्फा। ये उल्फा का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। पाकिस्तान से रिलेटेड तो महाजिर कौमी मूवमेंट, तहरीक ए तालिबान, लश्कर ए जहांगवी, हम हरकतुल मोहम्मदीन, हरकतुल अंसार, फिर ये लश्कर ए तैयबा, ये वगैरह तो हैं ही। अफगानिस्तान हक्का नेटवर्क और अलकायदा। नाइजीरिया में बोको हराम है। सोमालिया में अल शबाब है। लेबनान में हिजबुल्ला है। बांग्लादेश में हुजी यानी हरकत उल जिहाद अल इस्लाम है। इंडोनेशिया में जाट यानी जमा अंसारत तोहीद और जमा इस्लाम जे आई है। पेरू में साइनिंग पाथ है। फिलिस्तीन में हमास अबू निदाल संगठन है और अल फतह है। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ISIS है। ISIS का मुखिया था अल बगदादी। ISIS पहले अलकायदा का ही हिस्सा था। फिर आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, कंबोडिया में खमेर रुज, यूके में एंटी ब्रिगेड, जर्मनी में बादर मिनहाव ग्रुप और श्रीलंका में लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। आतंकवाद से मुकाबला कम्बेटिंग टेररिज्म। आतंकवाद के निवारण की तकनीकें मुख्यतः तीन तकनीकें हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करिए जाए, भारत इस पर फोकस करता है। सेना के द्वारा दमन, भारत ये भी एक प्रकार से अप्रोच रहता है। और राजनीतिक सौदेबाजी, तो राष्ट्रीय या राज्य सुरक्षा को बढ़ाना स्ट्रेंथनिंग स्टेट सिक्योरिटी। तो भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA या पोटा जैसे सख्त कानूनों का सहारा लिया। यूएसए ने पेट्रियॉट एक्ट 2001 के तहत अप्रवासियों की अनिश्चितकालीन बंदी की जा सकती है, ऐसा किया। यूएसए ने गुआंतानामो के जैसे जेलें बनाई हैं जो यूएसए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय दायरे से भी बाहर हैं। वहीं जिनेमा कन्वेंशन से बचने के लिए वहां रखे कैदियों को वह दुश्मन लड़ाकों के रूप में वर्गीकृत नहीं करता।
उदार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच झूल रहे हैं। सैन्य दमन या दमनकारी प्रति आतंकवाद का प्रयोग, मिलिट्री रिप्रेशन या रिप्रेसिव काउंटर टेररिज्म। 2001 में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के द्वारा तालिबान व अलकायदा का सफाया किया गया। अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों व पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में हमले किए गए। रूस ने चेचनिया आतंकवाद, श्रीलंका ने तमिल आतंकवाद व चीन ने सिंजियान मुस्लिम आतंकवाद का सेना द्वारा दमन किया। सैन्य दमन प्रति उत्पादक भी होते हैं, विशेष रूप से उस समय जब आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को मानव अधिकारियों एवं नागरिक हितों के प्रति असंवेदनशील माना जाता है। तो ये एक प्रकार से काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं, कभी कभी आपके ऊपर भी इसमें हमले हो सकते हैं और सेना को भी बहुत ज़्यादा जान मान का, जान और माल का नुकसान हो सकता है, है ना। तो ये है इसमें। फिर राजनीतिक सौदेबाजी, तो आतंकवादियों को बातचीत व कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से समझाना तथा राजनीतिक हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित करना। उदाहरण के लिए यूके सरकार द्वारा उत्तरी आयरलैंड के आतंकवादियों के साथ 1998 का बेलफास्ट समझौता, गुड फ्राइडे समझौता, राजीव गांधी व लाल डेंगा के मध्य 1986 का मिजोरम का समझौता, दोनों के प्रयास। तो 9/11 के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को संकल्प 1373 पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए विविध और व्यापक उपायों एवं नीतियों का उल्लेख किया गया। परमाणु आतंकवाद अभी समय है, न्यूक्लियर टेररिज्म कन्वेंशन 2005 आया, उसका औपचारिक नाम क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। यह 2007 से प्रभावी हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जो परमाणु आतंकवाद के कृत्यों को आपराधिक बनाने और उन कृत्यों को रोकने, जांच व दंडित करने के लिए पुलिस और न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। जून 2023 तक 120 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से 115 देश इस पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। अन्य प्रयास, तो परमाणु सुरक्षा सम्मेलन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। उद्देश्य क्या है, परमाणु सुरक्षा व परमाणु सामग्री तथा तकनीक को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। प्रेरक कौन है इसके, बराक ओबामा है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की प्रेरणा से ऐसे 4 वैश्विक सम्मेलन हुए। पहला 2010 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ, 2012 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ, 2014 में हेग नीदरलैंड में हुआ, 2016 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा आतंकवाद का चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।